व्यंग रचना का शीर्षक है कॉरपोरेट के हवाले वतन साथियों। जो तमाम काम करने की कहकर आए थे वे आते ही काम तमाम करने में लग गए। कृषि विधेयक माराडोना शैली से पास करा लिए गए। माराडोना शैली यानी रेफरी अपना हो तो हाथ से गोल करके भी फुटबॉल मैच जीता जा सकता है। जिन कृषि विधेयकों पर वोटिंग जरूरी थी उपसभापति ने उन पर मात्र ध्वनिमत से मुहर लगवा ली। विपक्ष का तो यह तक दावा है कि ध्वनिमत में भी मत कम और ध्वनि अधिक थी। हंगामा करने का दोषी मानते हुए विपक्ष के 8 सांसद यह कहते हुए निलंबित कर दिए कि साध्य पवित्र हो तो साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो जहां पनाह, विपक्ष भी तो आपसे यही कह रहा था। निलंबित 8 सांसदों ने संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास रात भर धरना दिया। उपसभापति हरिवंश जी अगली सुबह निलंबित सांसदों के लिए घर से चाय ले गए। 8 ही सांसदों ने उनकी चाय पीने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, एक चाय का जला हुआ देश दूसरी चाय नहीं पीता। लोगों ने सोशल मीडिया पर हरिवंश जी की चिट्ठी पढ़ी जिसमें उन्होंने खुद को जस्टिफाई करते हुए गांधी, जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर आदि को अपना आदर्श बताया। लोगों में चर्चा है कि यदि यह चिट्ठी उन्हें कागज पर लिखी मिलती तो वे कोना फाड़कर पढ़ते। मेरा मानना है यदि हरिवंश जी इन महापुरुषों में से किसी एक को भी अपने आचरण में उतार लेते तो बजाय पार्लियामेंट में बैठने के किसानों के साथ सड़कों पर होते। क्या उलट बांसी है, चाय बेचते थे तो देश पर चर्चा करते थे, देश बेच रहे हैं तो चाय पर चर्चा करते हैं। सत्य जानने के लिए मेरा एक मित्र तो मोदी जी के कहे का उल्टा अर्थ निकालने लगा है। जब मोदी जी ने कहा था झोला उठाकर चल दूंगा, तब मित्र ने बताया था कि मोदी जी कह रहे हैं झोला थमाकर चल दूंगा। 2014 के बाद से शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। अब समर्थन मूल्य से तात्पर्य अनाज के सरकारी मूल्य से नहीं रहा। समर्थन मूल्य का मतलब है ऑपरेशन लोटस के तहत जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के अवसरवादी सांसदों, विधायकों से मिले समर्थन के बदले उन्हें दिया जाने वाला मूल्य। मजा देखिए, जो रबी और खरीफ में अंतर नहीं जानते और खेत जिन्होंने सिर्फ फिल्मों और हवाई जहाजों की खिड़कियों से देखे हैं वे किसानों को कृषि विधेयकों के फायदे बता रहे। कृषि विधेयकों से किसानों की आय वैसे ही डबल हो जाएगी जैसे नोटबंदी से काला धन आ चुका है।